जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी फाइनल कट ऑफ के बारे में, यानी कि दो गुना जो कट ऑफ गई थी, अब एक गुना कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसमें किस किस का सिलेक्शन होने वाला है और कैटेगरी के हिसाब से क्या रहने वाली है। जैसे जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, EWS की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, OBC की, SC ST इसी प्रकार, और TSP की क्या रहेगी, non-TSP की क्या रहेगी, ऐसे हम डिवाइड करके कैटेगरी के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पटवारी फाइनल कट ऑफ, तो कितनी रहेगी फाइनल कट ऑफ, यह पहला प्रश्न है आपका। तो अब हम कैटेगरी के हिसाब से ही देख लेते हैं कि भाई क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो जैसे non-TSP की बात करूँ मैं, तो non-TSP में जनरल जो अभी गई थी वो गई थी 220, दो गुना में क्या गई थी 220। तो अब जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, जैसे अभी दो गुना में गई थी 220, तो अब इससे 6 नंबर ज़्यादा मान लो आप, यानी कि 226 नंबर जिसके हैं जनरल में non-TSP, वो बनेगा पटवारी, उसका तो कंफर्म ही है, ये देख लो आप। उसके बाद अगर हम बात करें EWS की, तो EWS की गई थी 210, कितनी गई थी 210, तो उसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी आप देख लो 216 नंबर, यानी कि EWS में जिसके 216 नंबर आ रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। OBC की बात करें हम, OBC की गई थी 219 नंबर, दो गुना में कितनी गई थी 219, और अब जिसके लगभग 225 नंबर, 225 नंबर आ रहे हैं उनका कंफर्म सिलेक्शन है। और इसी प्रकार SC की अगर हम बात करें, तो SC की गई थी 191, non-TSP में कितनी गई थी SC की 191, तो अब फाइनल क्या रह सकती है, वही 5 नंबर प्लस कर दो आप, तो 196 जिसके भी आ रहे हैं उसका सिलेक्शन पक्का है। ST की बात की जाए, ST में थी 187, दो गुणा में कितनी थी 187, तो एक गुणा में क्या रह सकती है 183, ये ST की रह जाएगी 182, मान लो आप 182 फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी ST non-TSP में 182। इसी प्रकार हम TSP की अगर बात करें कि भाई TSP में क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ, तो जो TSP में जनरल, EWS और OBC की एक ही मेरिट बनी थी, ठीक है, उस हिसाब से हम देखें तो जो गई थी दो गुना में गई थी 187, 187, तो एक गुना में क्या रह सकती है 192। जनरल OBC की क्या रहेगी EWS में, मतलब TSP में 192, 192 फाइनल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार ST SC की बात करें हम, TSP में ST SC की अगर बात करें कि भाई फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो SC की गई थी वो 173 गई थी दो गुना में, तो इसकी लगभग 179 के लगभग SC की कट ऑफ रहने वाली है फाइनल पटवारी में। TSP में SC की फाइनल कट ऑफ 179। ST की अगर हम देखें कि भाई ST की क्या रहने वाली है, तो ST की जो गई थी वो गई थी 136, दो गुणा में जो गई थी वो 136 थी, तो अब एक गुणा में क्या रहने वाली, यानी कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये देख लो आप 140, यानी कि 140 जिसके भी आ रहे उसका सिलेक्शन पक्का है। अब बात करेंगे कि भाई कब तक आएगी फाइनल कट ऑफ, यानी कि फाइनल कट ऑफ अभी आपका जैसे DV चल रहा है, 28 तक DV है, उसके बाद 2 दिन रिजर्व डे भी और आप बचे हुए हैं, यानी कि जिसने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कराए वो भी उस समय जाकर 2 दिन रिजर्व डे में 29-30 को आप जाकर अपना DV करवा सकते हैं अगर बच गए हो तो 28 को तो फाइनल है, उसके बाद 29-30 2 दिन रिजर्व डे है DV के, और उसके बाद जैसे कि आपका DV 30 को पूरा हो जाता है, तो लगभग 1 महीने की प्रोसेस रहेगी फाइनल कट ऑफ आने में। 1 महीने के अंदर, यानी कि अप्रैल के अंदर आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी, फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी। अब ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी कि भाई अप्रैल, जैसे अप्रैल में फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद आपका एक बार और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DV होगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जो भी आपको
बोला जाएगा, वो मैं एक वीडियो बना कर बता दूंगा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, यानी कि फाइनल कट ऑफ के बाद क्या प्रोसेस रहेगी उसके पूरे विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। तो अप्रैल में आपका फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, और मार्च मतलब अप्रैल तो मई जून यानी कि जून जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना, धन्यवाद।